सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. और माई नेम इज हरीश मीना, एज यू नो. एंड हमारे साथ है आज माई नेम इज मेलचीज, आई एम फ्रॉम मुंबई. सो आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूबर. तो सो आज का टॉपिक यही होने वाला है, मैं भाई से क्वेश्चंस पूछने वाला, क्योंकि भाई ट्रेवल ब्लॉगर है, लाइक काफ़ी कंट्रीज घूम चुके हैं. तो भाई से मतलब मेरे को काफ़ी स्टूडेंट को क्वेश्चंस भी होता है, लाइक जो इंडिया से देख रहे हो आप या कोई भी, तो कि कैसे ट्रेवल, इतना कंट्री कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, या लाइक इतना पैसा कहाँ से आता है, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, वो सब. तो वो सब क्वेश्चंस अभी पूरा क्लियर कर देंगे. तो मैंने वो लिख भी रखे कि मैं भूल ना जाऊं, तो मैं लिख के भी लाया हूं. तो अभी चीट लाया तो अभी सारे क्वेश्चंस मैं एक कर करके सब पूछूंगा, ठीक है ब्रो. तो सबसे पहला तो अपना इंट्रोड्यूस, जो आपने किया नाम एंड कहां से हो, या आपकी एज वगैरह भी क्या है. माय नेम इज मेलचीज और मैं मुंबई से हूं. तो माय एज इज 25 एंड लाइक आई एम वर्किंग, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो फिलहाल मैं वेकेशन पे हूं एंड दैट्स व्हाई आई एम इन यूक्रेन. ओके, सो आपने लाइक ये शुरुआत कैसे की, आपका इंस्पिरेशंस लाइक कहाँ से मिला कि मेरे को ट्रेवल व्लॉग लाइक पूरा कंट्री घूमना चाहिए. ओके, तो लाइक ड्यूरिंग मेरा कॉलेज डेज के टाइम ही मुझे ऐसा घूमने का बहुत शौक था, बट फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, पैसे नहीं होते तो घूम नहीं पाएंगे. लोग बोलते हैं कि कम पैसे लगते हैं, बट सीरियसली बहुत पैसे लगते हैं, इवन फ्लाइट टिकट्स अफोर्ड कर नहीं पाते. तो मैं वेट किया बहुत दिन. जैसे मेरा जॉब लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो मैं पैसे सेव करने लगा, थोड़े पैसे सेव करता हूँ एंड ट्रैवल करता हूँ, फिर पैसे सेव करता हूँ एंड ट्रैवल करता हूँ, तो वैसा करता हूँ. तो मतलब आप एक पहले एक कंट्री घूमते हो, फिर वापस इंडिया जाते हो. हाँ, जॉब करते पहले मैंने वैसे किया था. हाँ. जब मैं पहला ट्रिप मेरा रशिया का था, मैं रशिया 15 दिन का ट्रिप किया और इंडिया रिटर्न गया, बट तभी मैं बहुत बड़ा लॉस में गया, क्योंकि फ्लाइट टिकट से मेरा 50,000 हो गए थे. तो मैंने डिसाइड किया कि रिटर्न इंडिया नहीं जाऊँगा, एक तीन चार कंट्रीज एक साथ घूम लूँगा. तो इस बार मैं चार पाँच कंट्रीज एक साथ घूम रहा हूँ एंड उसके बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो मेरे पैसे बहुत सेव हो रहे. ओह नाइस नाइस, इट्स गुड आइडिया है. yeah. तो लाइक अगर आपने ये सोचा, तो लाइक आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, उनको पता है कि लाइक होता ना कि क्या करेगा ऐसे घूम गए, लाइक जॉब कर लो, फालतू क्यों घूमना इतना. मेरे पेरेंट्स का भी वही रिएक्शन था, लाइक इनिशियली जब मेरा पहला ट्रिप था रशिया का, देवर सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इंडिया के बाहर घूमने जाएगा. ऑफकोर्स अगर इंडिया में ट्रिप करता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं वो छोड़ने वाला हूँ. तो लाइक एट द सेम टाइम यू हैव टू, मैं ट्रैवल भी करता हूँ और उनको भी सेटिस्फाई करता हूँ, मतलब फैमिली का जो भी रिक्वायरमेंट्स है. अभी फैमिली को भी मतलब वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फैमिली, मॉम डैड सिस्टर, तो मैं वो सब भी देखता हूँ और ट्रैवल भी करता हूँ, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता. उनका ऐसा होता है कि तू जॉब कर रहा है और तू ट्रैवल कर रहा है, सो दैट्स योर लाइफ, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट कुछ गलत रास्ते में मत जाना. ओह नाइस नाइस, तो लाइक पेरेंट्स खुश है इससे. या पेरेंट्स दे आर प्राउड. ओह नाइस, बट अनलेस एंड अंटिल वीडियो में कुछ यू नो लाइक कुछ गलत ना करो. ओके ओके, समझ गए, लाइक बाहर जा रहे हो तो कुछ गलत ना कर देना. गलत ना करो और वीडियो एंजॉय करो बस. हां एंजॉय करो. अभी वीडियो कैसे कि सारे रिलेटिव्स भी देखते हैं. ओके, तो पेरेंट्स का ये मानना है कि वीडियोस में जो भी दिखा रहे हो ढंग का दिखाओ, कुछ गलत मत दिखाओ. तो मैं बता दूं, यहां पे मैं भाई का चैनल है, तो मैं लिंक दे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर जाके चेक कर, क्योंकि भाई मतलब इतनी सारी कंट्री घूम चुका है. तो अभी मैं पूछने वाला हूं कि कितनी कंट्री घूम चुका है, तो वो सब आप देख सकते हो. तो भाई एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरा, हाउ डू यू मैनेज लाइक प्लेन टिकट वगैरह. हाँ, तो मतलब अभी समझो अभी मैं ये ट्रिप मेरा खत्म हो रहा है 15 दिन में, इसके बाद मैं 2-3 महीना कहीं नहीं घूमने जाने वाला हूँ. ऑफकोर्स क्योंकि पैसे नहीं है, तो 3 महीना पैसे सेव करूँगा मैं, उसके बाद फिर कोई ट्रिप शुरू करूँगा. मतलब ये डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से मतलब ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ऐसा जॉब पे लगो कि आपको थोड़ा अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो 40% या 50% फैमिली या फिर अपना पर्सनल लाइफ देखो, 50% फॉर ट्रैवल. तो पैसे आते हैं ये सिर्फ आप जॉब करके करते हो या फिर पेरेंट्स भी आपको. नहीं, पेरेंट्स से मैं फंडिंग आज तक लिया नहीं हूँ फॉर ट्रैवलिंग. वो लोग कभी इंसिस्ट करते, वो लोग बोलते कि लाइक मतलब तेरा सैलरी हम लोग को दे मत, 1-2 महीना यू कैन ट्रैवल, बट मैं बोलता हूँ नहीं. मतलब यू हैव टू कीप देम आल्सो हैप्पी, तो लाइक आई ट्रैवल ऑन माय ओन एक्सपेंस. ओह वाओ, तो जैसे आप कितनी कंट्रीज घूम चुके हो अभी तक. जस्ट लाइक मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया मेरा, मैं पहला ट्रिप जून में किया, सो इट दिसंबर, लाइक जस्ट 4 महीना हुआ है और मैंने सिर्फ 4 कंट्रीज विजिट किया है एंड 5th कंट्री अभी जाऊंगा. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय ट्रैवल जर्नी, सो दिस इज माय 4th कंट्री. ओह नाइस. या सो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी आपकी. पहले रशिया गया मैं एंड बाद में अल्बेनिया, फिर सर्बिया, नाउ यूक्रेन एंड नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू गो टू टर्की. सो नेक्स्ट प्लान आपका टर्की. हाँ, न्यू ईयर और क्रिसमस एंजॉय करने. तो मतलब आप कल परसों निकलने वाले हो. हाँ, 2 दिन में निकल रहा हूँ. नाइस. तो मतलब इतनी सारी कंट्री घूम चुके हो आप, तो मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको, लाइक यहाँ के बंदे की बहुत
like you know अच्छे behavior में okay. और to be honest Serbia और Ukraine दोनों compare करूँगा because बाकी countries मुझे इतने पसंद नहीं आए and Serbia मुझे ज़्यादा पसंद आया अच्छा। Ukraine भी अच्छा था but you know Ukraine में लोग थोड़ा बहुत offensive हो जाते हैं क्योंकि हम YouTuber हैं हम कहीं पे भी camera लेके जाते तो लोग offend हो जाते कि put your camera down ऐसा yeah, yeah. बहुत बार हुआ है मेरे साथ बहुत बार तो मुझे personally city अच्छा लगा है बहुत beautiful है but लोग मुझे Serbia के अच्छे लगे ये होता है मेरे साथ भी जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना कहीं तो जैसे सुपरमार्केट में बिल्कुल अलाउड नहीं है कैमरा अलाउड नहीं करते यार ब्रो बोलते बंद कर दो कैमरा भाई हम तुम्हारा फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं फिर भी इनको प्रॉब्लम होता है फ्री प्रमोशन मिलता है उनको वही पता नहीं क्या दिक्कत है ब्रो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैंने आपका व्लॉग भी देखा था कि जब आप ट्रेवल कर रहे थे और अपनी बात भी हुई थी कि आप ट्रेवल करते करते लाइक आपको डर नहीं लगता कि मेरा कोई सामान गुम गया या कोई इतना सारा आप कैसे मैनेज करते हो इतना सारा सामान लेके मेरा पासपोर्ट गुम गया था जो सबसे मेन है ट्रैवल का हाँ वो मैंने देखा था मैंने पूछा भी था चोरी तो कैसे मैनेज किया फिर कि या पहले तो लाइक ट्रेन में जाते हुए मेरा पासपोर्ट घुमा तो मुझे कुछ समझा नहीं बट यू नो लोग बोलते हैं कि अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती तो भी तुम ट्रैवल कर सकते हो वो बिल्कुल गलत है अगर इंग्लिश नहीं आती है तो दिक्कत होता है तो मैं बहुत मतलब मैं एक हफ्ता लगातार एम्बेसी गया एम्बेसी से इमिग्रेशन ऑफिस से सब भागम दौड़ी किया लास्ट में मुझे एक वाइट पासपोर्ट मिला मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस था और अगर मेरी फ्लाइट होती एक दिन में तो मैं फ्लाइट मिस कर देता और मुझे नई फ्लाइट बुक करनी पड़ती तो अगर ट्रैवल कर रहे हो तो मेन पासपोर्ट को हमेशा आपके साथ रखो या फिर कोई लॉकर में डाल के रखो तो पासपोर्ट इज द मेन थिंग एंड इट इज डिफिकल्ट यू नो ट्रैवल करते टाइम अभी ये कैमरा भी लेके घूमना मुझे थोड़ा डर भी लगता है कभी कहीं पे अभी यहाँ पर रखा हूँ अगर गलती से मैं भूल गया तो इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक यस ब्रो तो फिर बाद में कैसे किया फिर पासपोर्ट गुम गया तो फिर क्या किया हाँ पहले तो मैं गया एम्बेसी के पास एम्बेसी को कॉल किया अभी इंडियन एम्बेसी था और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे उनको मैंने बताया उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो कल आ जाओ एम्बेसी तो अगले दिन मैं गया उन्होंने मेरे से फॉर्म वगैरह भरवाया दो तीन दिन घुमाया वहाँ मुझे वाइट पासपोर्ट मिला फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया इमिग्रेशन ऑफिस तक एंड वहाँ पर मुझे स्टैंप लगा के मिला वीजा ओके तो उसके बाद आप इंडिया बट इंडिया के नया पासपोर्ट अप्लाई किया एंड फिर से मैं रशिया गया रशिया दो बार गया तो फिर से रशिया गया okay. हाथ दुख रहे तो थोड़ा रेस्ट ले लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रो कि आप लाइक इतना कंट्री घूम चुके हो तो आप कभी इंडिया का फूड मिस करते हो लाइक इंडिया का फूड मिलता है यहाँ हाँ मतलब मैं जो भी कंट्री जाता हूँ सबसे पहले गूगल में यही सर्च करता हूँ कि इंडियन सुपर मार्केट नहीं अभी यूक्रेन में भी मैंने वही किया क्यू में एक सुपर मार्केट था वहाँ पर मुझे सारे इंडियन फूड्स मिल रहे थे तो मैंने वहाँ से बल्क में ऑर्डर कर लिया आई मीन लाइक फॉर 10 और 15 डेज तक मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं होगा तो वैसे मैं कहीं कोई भी कंट्री जाता हूँ तो इंडियन फूड को ही पहले ढूंढता हूँ बिकॉज ऑफकोर्स इंडिया को मिस भी करता हूँ एंड इंडियन फूड जैसे कहीं पर नहीं मिलेगा आपको और यूक्रेन के बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे को बोला है कि वी लव इंडियन फूड सबको इंडियन फूड पसंद है यहाँ के लोग बहुत बोलते हैं अगर किचन में मैं मैगी भी बनाता हूँ ना तो वो स्पाइस का जो स्मेल आता है ना तो उससे लोग पूछते आर यू फ्रॉम इंडिया करके Nice. तो अभी तक का मतलब इतनी कंट्री घूम चुके हो तो बैड एक्सपीरियंस कहाँ का रहा है आपका अभी तक हाँ बैड एक्सपीरियंस तो मतलब दो तीन जगह पे हुआ है बट सबसे वर्स्ट अभी ओडिशा में हुआ था ओडिशा में मेरा हॉस्टल में टर्की के दो बंदे लोग थे तो एक बंदा अच्छा था दूसरा बंदा मुझे कुछ तो बोल रहा था तो समझ में आता ना कि गाली दे रहा है क्या कर रहा है तो गाली दे रहा था बट उसके लैंग्वेज में देख के वो दोनों बहुत हंस रहे थे बट अभी हम कर भी क्या सकते हैं हम दूसरे कंट्री में हम उठ के जाएंगे उसको कुछ बोलने हाँ तो उसको यूक्रेन लैंग्वेज आता है हम ही फंसेंगे और यूक्रेन में मतलब मैं जब नाइट लाइफ वीडियो शूट करने जाता था तो मैं पब का पूरा एम्बियंस शूट करने को ट्राई करता था बट काफ़ी सारे लोग थे जो ऑफेंड हो जाते थे मतलब कैमरा लाइक पुट योर कैमरा डाउन मतलब हाँ ऐसा बहुत लोग थे जिनको मैं वीडियो में कैप्चर नहीं करता हूँ फिर भी आके बोलते यू शुडंट फिल्म पीपल तो ऐसा थोड़ा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था बट यू नो यू शुड इग्नोर दैट एंड कीप मूविंग हाँ मैंने भी देखा है ब्रो यहाँ पे मतलब ये होता है कि कैमरा नॉट अलाउड लेकिन यू कैन यूज फोन या बोलते एक यूनिक एक्सपीरियंस सर्बिया में हुआ था मुझे बोलते कैमरा नीचे करो यू शुडंट फिल्म विद कैमरा यू कैन फिल्म विद फोन मैं बोला भाई क्या लॉजिक है ये अगर फोन से भी रिकॉर्डिंग कर रहा है वही उससे भी तुम्हारा जो है सब कैप्चर हो ही रहा है कैमरे से भी वही हो रहा है पता नहीं क्या दिक्कत है उसके बाद से मैंने क्या किया सर्बिया और यूक्रेन में नाइट लाइफ शूट करते रहे हर एक से जाके परमिशन लिया मैं अभी कोई ग्रुप बैठा तो उनको जाके पूछता हूँ कैन आई फिल्म यू आई एम अ ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया वो लोग हाँ बोलते तो मैं दूर से उनको फिल्म करता हूँ तो अभी ऐसा हो गया है मतलब अगर परमिशन मोस्टली लोग दे देते बट कोई कोई लोग यू नो नहीं बोलते बोलते इट्स अ प्राइवेट पार्टी हमने आना चाहते यूट्यूब पे तो इट डिपेंड्स तो ब्रो मतलब मेन जो आता है ना तो वो आता है कि हम सब जो ट्रेवल कर रहे हैं वो सब ठीक है लेकिन सब ट्रेवल हम बजट में लेके चले हाँ तो लाइक फूड और ये सब में बजट वो देखना पड़ता है कि इतना मेरा बजट है तो सब तो उसमें मेन आता है रहना हाँ तो कैसे मैनेज करते हो आपकी कैसे रहे
तो मोस्टली मैं कहीं पे भी स्टे करता हूँ, मैंने आज तक प्राइवेट रूम कहीं पे नहीं लिया है, मैं हॉस्टल्स ही प्रीफर करता हूँ। और हॉस्टल्स में अभी डॉर्मेटरी बेड होता है, 8 डॉर्मेटरी 5 डॉर्मेटरी 6 डॉर्मेटरी, तो हमेशा मैं 8 डॉर्मेटरी चूज़ करता हूँ, बिकॉज वो सस्ता भी होता है और एडवांटेज क्या, आप लोगों से मिलजुल सकते हो। और हॉस्टल्स बहुत सस्ता होता है यार, दिन का 500-600 रुपये होता है। अल्बेनिया में तो मैं सिर्फ 400 रुपये पे करता था पर नाइट के लिए। तो हॉस्टल्स बहुत चीप पड़ता है, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो हॉस्टल प्रीफर कर सकते हो, हॉस्टल इज़ वेरी चीप। एडवांटेज भी है ना, आप लोगों से मिल सकते हो, हॉस्टल में लोगों से मिलोगे। किचन में अभी कोई, अभी मोस्टली कम्युनिकेशन किचन में होता है, किचन में आप मतलब कोई भी दूसरे कंट्री के लोगों से मिल सकते हो, तो फायदा है हॉस्टल का। हाँ, हॉस्टल में ये भी है कि किचन भी मिलता है वहाँ पे, बाथरूम भी है, बस वो ये होता है कि आप उसको लाइक किचन को सब यूज कर सकते हैं, बस ये है। प्राइवेट में होता है कि खुद का है, पर्सनल है, लेकिन प्राइवेट बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा मिलता है। तो आपको अभी तक मतलब कौन सी कंट्री चीप लगी, लाइक यू नो अल्बेनिया? अल्बेनिया, अल्बेनिया का करेंसी बहुत कम है, इंडिया का करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है उससे। एंड अगर नहीं, अभी यूक्रेन में मुझे कैब बहुत सस्ते पड़ रहे हैं, कैब, बट लिविंग एंड खाने पीने के हिसाब से अल्बेनिया सस्ता था। अगर आपने करेंसी की बात की तो लाइक करेंसी कैसे चेंज करते हो, लेकिन आप लाइक डेबिट कार्ड है या फिर क्या है, मतलब कैसे यूज है? मेरे पास एक्चुअल में एक मल्टी करेंसी कार्ड है HDFC का, या फिर आप कोई भी वीज़ा कार्ड आपके पास होगा तो सब ATMs में यहाँ पर चलता ही है। और मैं हमेशा थोड़ा यूरोज कैश में कैरी करता हूँ, बिकॉज इमरजेंसी में पड़ सकता है ज़रूरत। तो बहुत सारा एक्सचेंज पॉइंट होता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कैश एक्सचेंज करना चाहते हो तो एक्सचेंज पॉइंट पे जाके करो, बैंक वगैरह से मत करो, कमीशन चार्ज मारते। तो मैं यूरोस कैरी करता हूँ हमेशा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इन चीज़ों पर कभी भी आप मतलब चेंज मत करवाओ, एयरपोर्ट पर यहाँ पर बहुत कमीशन लेते हैं लोग। और साथ में भाई बोला है कि जैसे मैं यूरो या डॉलर लेके चलता हूँ, तो इसका अच्छा सबसे पॉइंट है कि ये करेंसी हर जगह मतलब चेंज कर सकते हो आप इसको, तो इतना दिक्कत नहीं होता फिर। हाँ, नाइस। और अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो ज़्यादा चार्ज नहीं मारते, अगर आप कैश विदड्रॉ करते हो ATM से तो 3.5 से लेके 5% चार्ज मारते, तो हमेशा कैश कैरी करो। बट मतलब 50% रखो, अगर 1000 यूरो प्लान कर रहे हो तो 500 यूरो कैश, 500 यूरो अकाउंट में रखो, वैसे प्लान कर सकते हो। लाइक मैं एक सजेशन दूँ, लाइक अपन जैसे होता ना कुछ सामान या कुछ खा रहे कैफे वगैरह में कुछ भी, तो आप स्वाइप करवा लो, स्वाइप करो बरोबर, तो वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। और जो आप ट्रेन के लिए, वैसे भी अगर जितना हो सके ऑनलाइन करने की कोशिश करो, और जहाँ पे अगर तुमको ना कि यहाँ पे तो सिर्फ कैश ही चलेगा, तो फिर वहाँ पे कैश यूज करो। मोस्टली मैं वही करता हूँ, अभी कैब में आया तो कैब में मेरे को कैश देना पड़ा, अगर सुपरमार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ तो कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ वैसे। नाइस ब्रो, मतलब आप कितना और कंट्री घूमने का आपका प्लान है, लाइक टारगेट है ना कि इतना मैं घूमना चाहता हूँ? मेरा फिलहाल मतलब इस मेरा ये टारगेट था कि बिफोर 2021 मुझे 5 कंट्रीज ट्रैवल करना है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और नेक्स्ट ईयर में मेरा प्लान है एटलीस्ट 10 कंट्रीज कवर करूँ। एज यू नो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं हमेशा ट्रैवल नहीं करता हूँ, बहुत सारे ट्रैवल वर्कर्स से जो कंटिन्यूस ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत आसान है, बट मेरे लिए नहीं, मुझे ऑफिस में छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके बाद घूमना पड़ता है। तो मैं नेक्स्ट ईयर 10 कंट्रीज प्लान कर रहा हूँ, होपफुली आई कैन अचीव। भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि मतलब जॉब भी कर रहे हैं साथ में और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कंट्रीज वगैरह, तो मतलब यू नो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। भाई तो नई नई कंट्री जाते रहते हैं, तो कभी डर लगता है कि वहाँ के लोगों से कि कैसा मतलब कुछ हो जाए फालतू? रोड में ऐसे मिलते हैं एक दो लोग, ऐसे अभी खाली रोड में कोई ना कोई मिलता है, तो उनकी तरफ मैं देखता भी नहीं, और कोई पीछे फॉलो करना मोस्टली किसी ने किया नहीं आज तक, अगर कोई फॉलो भी करता है तो सीधा कुछ नहीं बोलना, आई विल कॉल द पुलिस बोला तो लोग चले जाते हैं। बट अभी तक फिलहाल वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, एंड हमेशा मैं अवॉइड करता हूँ एम्प्टी रोड्स में चलना, क्योंकि बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस थे यूट्यूबर्स के भी। तो इट्स ऑलवेज मतलब कैब ले लो, अगर खाली रोड दिख रहा है तो कैब ले लो। तो ब्रो आप लाइक अलग अलग कंट्री घूमते हो, तो आप लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती आपको, लाइक लैंग्वेज कैसे मैनेज करते हो, वहाँ के लोकल जो होते हैं उनसे कैसे बात करते हो? लैंग्वेज का दिक्कत बहुत होता है, स्पेशली मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा जब पासपोर्ट घूम गया था तो मैं रशियन ऑफिस में गया था, रशियन पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पर किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है, इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंग्लिश नहीं आ रहा था। तो मैं एक ट्रांसलेटर को लेके गया, मतलब ट्रांसलेटर को एक लेके गया, मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो सब जगह दिक्कत होता है, तो हमेशा गूगल ट्रांसलेटर ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन में दिक्कत हो सकता है कभी, ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, और जो कॉमन वर्ड्स है ना, हाई, हेलो, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, वो सब मतलब रट लो, अभी इतना रटते हैं हम इंडिया में एग्जाम के पहले, तो इतना सा एक वर्ड रट लो तो काम आएगा।
और हमेशा हर एक कंट्री में आपको प्रॉब्लम होगा अनलेस एंड अंटिल इफ यू आर इन नॉर्थ अमेरिका और यूके, बट यूरोपियन कंट्रीज में आपको जरूर प्रॉब्लम होगा. सो बेटर ट्राई टू लर्न सम बेसिक वर्ड यूजिंग गूगल ट्रांसलेटर. दैट्स ऑल, यही था भाई का इंटरव्यू. और अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. और भाई के चैनल पे जाके देखो भाई की वीडियो. तो भाई का चैनल का मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक. और तो इंटरव्यू पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो और हम फिर कल न्यू ब्लॉग बनाने वाले हैं और इस बार मैं इंटरव्यू लूंगा. हाँ, तो भाई इंटरव्यू लेंगे तो मेरा इंटरव्यू भाई के चैनल में जाके आप जरूर देखना. एंड मतलब मुझे भी बोलना है इट वॉज अ नाइस सेशन. हमने एक्चुअली प्लान नहीं किया था कि क्या वीडियो बनाएंगे, हमने सोचा था कि सिटी एक्सप्लोर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली स्नोफॉल हो गया था. एंड थैंकफुली मुझे मजा आया इंटरव्यू. लाइक क्वेश्चन बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगा. लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, आपको कुछ भी डाउट है मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई देता हूँ. तो मैसेज करो बट वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछो. हाई बाय मत भेजो अगर कुछ बहुत लोग हैं जो हाई बाय भेजते. कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो, ब्रो मुझे यहाँ पर जाना है क्या करूँ, मतलब मुझे वीजा के रिलेटेड सब पूछो चलेगा. लाइक मेरे को अगर ट्रैवल करना है या वीजा करना है तो ये सब प्रोसेस आप पूछ सकते हो भाई से. तो भाई आपको पूरा सजेशन देंगे. और अच्छा लगा हरीश. थैंक्स फॉर दिस. और हम बता दें कि हम मतलब आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं हम. बट मजा आ रहा है, कंफर्टेबल लाइक कनेक्शन जैसा लग रहा है. इंडियन इंडियन होता है यार. देसी कहां पर भी मिलता है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूं. भाई ने मेरे को 2-3 महीने पहले ही उन्होंने मैसेज करके रखा था कि हम इस डेट को मैं आऊंगा तो भाई आप मिलना यार. तो मैं भी एक्साइटेड था कि भाई आए. मैं भी लाइक मेरे को भी बहुत डाउट था. ये जो मैंने आपने सब क्लियर किया है तो ये मेरे को बहुत डाउट था कि कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे ट्रेवल कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस था. तो मिलते हैं जल्दी. बाय बाय, सी यू.